नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। देश के अनेक कर्तव्यवान देशभक्तों के साथ अनेक बार ऐसे हादसे क्यों और कैसे होते हैं, यह सभी प्रसार माध्यमों के लिए संशोधन का गहन चिंतन का गूढ़ विषय है। हमारे BNN और CNN न्यूज चैनल द्वारा इसी विषय पर चर्चा सत्र रखने के लिए हमारा प्रयास जारी है। ऐसा ही हादसा हमारे भारतीय सेना के 4-स्टार जनरल बिपिन रावत के साथ हो गया। उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया है। संपूर्ण देश में यह समाचार सुनते ही शोकाकुल का वातावरण बना है और संपूर्ण देश प्रेमी रावत जी के दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। बिपिन रावत अमर रहे, ऐसी अनेक घोषणाओं की लहर सी संपूर्ण देश में आ गई है। BNN और CNN न्यूज चैनल द्वारा रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बिपिन रावत भारतीय सेना के 4-स्टार जनरल थे, जिनकी 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, जो कि 31 दिसंबर 2019 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी सवार थे। भारतीय वायुसेना ने उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों के साथ मृत घोषित कर दिया है। आतंकवादियों का सफाया करने और देश को आंख दिखाने वालों का सफाया करने वालों में से एक थे हमारे भारतीय सेना के जनरल बिपिन रावत। जब आतंकवादियों ने मणिपुर में आर्मी के 18 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था, तब जनरल बिपिन रावत ने एक झटके में निर्णय लेकर दूसरे देश की सीमा के पार अपने आर्मी सेना को लेकर घुस गए थे और एक एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार कर ही दम लिया था। आतंकवादियों का सफाया करने के लिए तुरंत लेते थे वह निर्णय। अजय कुमार पांडे और विनोद कुमार महाजन की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।